इसमें दिलचस्पी सट्टेबाजों को भी आकर्षित करती है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कहीं इन खिलाड़ियों और सट्टेबाजों के तार विदेश से तो नहीं जुड़े हुए, क्योंकि कई कॉल्स ऐसे ट्रेस किए गए हैं जो विदेश से खिलाड़ियों को किए गए थे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और आखिरकार पूर्व क्रिकेटर और विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन पर पाकिस्तान जाने की इजाजत मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पहले जत्थे के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर के जरिए वहां जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के कुछ ही घंटे पहले नवजोत सिंह सिद्धू को उसमें शरीक होने की सियासी इजाजत मिल गई। गुरुवार को ही इस इजाजत के लिए उन्होंने विदेश मंत्री को तीसरी चिट्ठी लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ही लग रहा था, क्योंकि तीर्थयात्रियों के नाम पहले ही भेजे जा चुके थे। जो जत्था में जा रहे हैं वो हमने पाकिस्तान को भेजी है। अब हमने कहा कि जिसका पाकिस्तान को चूंकि जवाब नहीं आया है, हम मान रहे हैं कि जो उसमें 57600 जो नाम है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो सारे नाम पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ओके कर दिया है उन लोगों को, और जो जा रहे हैं उनको पता है कि कौन कौन है उसमें। हमने उन सब लोगों को बता दिया है कि आप उसके लिए तैयारी करें। उधर करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि भारतीय तीर्थयात्रियों को एक साल न तो पासपोर्ट दिखाना होगा, न ही पहले से उनके नाम भेजने होंगे, लेकिन कागज पर हुए समझौते के मुताबिक ये दोनों जरूरी हैं। भारत समझौते के मुताबिक ही चल रहा है और पाकिस्तान से पूछा है कि क्या समझौते में बदलाव करना है। ये जो MOU है ये काफी मीटिंग्स के बाद, नेगोशिएशन के बाद ही अग्री हुआ है। पाकिस्तान को कोई हक नहीं बनता है कि अपनी तरफ से वो बोले कि अब ये हमने बदल दिया, वो बदल दिया। और ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 10 दिन 15 दिन हुए हैं साइन किए हुए, यही सब चीजें उनको करना तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया। ये जो पोस्टरिंग है, और यही मुझे हमेशा डाउट होता है कि ये पोस्टरिंग क्यों करते हैं। अगर यही उनकी इनकी सीरियसनेस थी, अगर यही उनका था कि हमें सबको फैसिलिटेट करना है, हमें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये एग्जैक्टली जिस समय नेगोशिएशन हो रहा था उस समय कर सकते थे। ऐसे में भारत समझौते के नियम तोड़कर पाकिस्तान के एक तरफा ऐलानों को वैधता नहीं दे सकता। उधर सिद्धू, जिनके इमरान के शपथ ग्रहण में जाने के बाद करतारपुर कॉरिडोर बनने में तेजी आई, वो अब उद्घाटन में भारत से जाने वाले जत्थे के साथ मौजूद होंगे। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली की दास्तां, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो।